एथलीट्स का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए जो लॉन्ग जंप करता है? जींस, पैंट, सर हाफ पैंट। हाँ क्या होना चाहिए बेटा? नो, कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं पता यार। कपड़े तो पहनता है ना एथलीट, कुछ ना कुछ तो पहनता होगा। ड्रेस कोड, स्कूल यूनिफॉर्म? नो। हाफ स्लीव्स आती है ना, सैंडो और निक्कर शॉर्ट्स, ठीक है। इसका एक कॉस्ट्यूम होता है जो टाइट्स बोल सकते हैं उसको, टाइट्स पहनते हैं उसमें। ज्यादातर ऐसे कपड़े यूज किए जाते हैं, ऐसे क्लोथ यूज किए जाते हैं जो बॉडी से चिपक के रहे, स्किन से लगा हुआ है। जैसे हम स्किनर की बात कर सकते हैं, टाइट्स की बात करते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये इससे क्या होता है, बॉडी जो मसल्स होती है हमारी वो ग्रिप में रहती है और हमको जो एक्शन लेने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है, इसलिए ऐसे क्लोथ का यूज किया जाता है। प्लेयर्स का चेस्ट नंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आइडेंटिफाई कैसे करता है प्लेयर्स को? अगर कोई जज है और एथलीट में जज है और अपने लॉन्ग जंपर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि इसका अभी इस एथलीट का बारी है जंपिंग का, तो उसके लिए क्या होगा कोई बताएगा? खुशी सुनाना, क्रिकेटर, टेल मी। रिकॉर्डिंग चालू कर दी, वहां पे बताते हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मैं जब तुम कान था तो गए थे बाहर, तो बीच बीच बार हर बार से कभी आवाज क्लियर नहीं है। एनी मृदुल, मृदुल चोपड़ा, ओके डोंट वरी। नेक्स्ट आउट, मैं आपको हाई जंप के बारे में पहले बता रहा हूँ। हाई जंप्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और आज हाई जंप करेंगे। हाई जंप कौन कौन करता है पहले आप वीडियो तो ऑन करो, मैं देखूं तो सही आप लोग कैसे दिखते हैं। यार पूरे वीडियो ऑफ करके रखे हो, मैं बस वीडियो ऑन किया हूँ। चलो वीडियो ऑन करो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट। स्मार्ट बॉय, यस वेरी गुड, ए स्माइल, गुड स्माइल कौशिक, गार्विक नाइस हेयर स्टाइल, काव्या वेरी गुड, नेक्स्ट शीतल, हियर मिति बरड़िया, भाविक। बेटा वीडियो ऑन रहेगा है ना, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो ऑन रखना। और बता रहे हैं वीडियो ऑफ हुआ यानी कि आपका फिर गया हाई जंप, आप हाई हो जाओगे फिर। विदाउट हाई जंप के ही जंप कर प्रियस क्रॉस बार कर लोगे आप ऑलरेडी यहीं से। चलो ठीक है ठीक है, फटाफट। बाकी लोग क्या मेरे ख्याल से ज्वाइंट होके हट जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्वाइंट होने के बाद सो जाते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी का मौसम है, अच्छी रजाई मिलती होगी, सो जाते हैं बेटा मुझे मालूम है। चलो जल्दी फटाफट रेडी करो। भाविक, लब्धी, मानवी, राज, दिव्य जैन, हम लोग यहाँ फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा पढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से कर लूं कि आप सुबह उठे हो अभी, आप फ्रेश हो गए हो, वॉश यूज हो कर लिए हो, हैंड वॉश वगैरह, फेस वॉश नहा धो के आए हो ना बेटा कि नहीं, ब्रश वश किए हो भाई। फिजिकली एजुकेशन में तो फिटनेस से सबसे जरूरी है हमारा फिटनेस। हमारे फिटनेस को अगर हम अपने तरीके से, हम सुबह उठेंगे नहीं जल्दी और फ्रेश नहीं होंगे तो हम कैसे फिटनेस का प्रोग्राम कर पाएंगे? सुबह विदाउट, बिना फ्रेश हुए, बिना
अपने आप में वॉश वगैरह यूज किए, हम कैसे फिटनेस पे काम करेंगे बताओ, हेल्दी कैसे रहेंगे? तो नेक्स्ट, चलो ठीक है, मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, फटाफट हमको लंबी कैंची खींचनी है हमारे साथ आपको आज हाई जंप में। हाई जंप्स एक बहुत ही डिफिकल्ट एथलीट्स का पार्ट है जिसमें हम लोग जाएंगे और आज हम हाई जंप करेंगे। आप लोग हाई जंप कर सकते हैं क्या? कभी आप लोगों ने हाई जंप किया है? नॉर्मली आपने किसी ऊंचे किसी हाई एरिया को क्रॉस किया है? कभी बैरिट वगैरह को क्रॉस किया है जंप करके? किया है तो मुझे आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा उसके, कैसे आप लोगों ने किया होगा? ऐसे तो आप बहुत स्कूलों में रनिंग करते हैं, जंप करते हैं, तो मुझे आप हाई जंप के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताएंगे अपने तरीके से? एनी राघव, आपका बाल दिख रहा है बेटा, बस चेहरा नहीं दिख रहा मेरे को, क्या आप ऐड कर रहे हो क्या हेयर स्टाइल का? ऐसा तो नहीं है क्यों तन्मय, गायब हो गया तू? तन्मय देखो बेटा, हाई जंप इज टेक्निक्स, हाई जंप एक टेक्निक्स है जिसके बिना टेक्निक्स के हम जंप नहीं कर सकते हैं। द एथलेटिक्स पर्सन जब तक हाई जंप की टेक्निक स्किल पे मेहनत नहीं करता, सीखता नहीं है, तब तक हाई जंप की स्किल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नॉर्मली हम लोग हाई जंप की बात करें तो हम छोटे मोटे क्रॉस को, बैरिट्स को हम लोग जंप कर सकते हैं जो हमारे रेंज एरिया में हो, जो हमारे बॉडी एफर्ट एक एरिया में हो, हम उसको कॉन्फिडेंसली कर सकते हैं। लेकिन जब हम एथलीट में आते हैं, कॉम्पिटिशन की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिशन में जब हम बार क्रॉस का बात करते हैं तो वो एक डिफिकल्ट पॉइंट हो जाता है। आप जब देखेंगे कि आपके सामने कोई क्रॉस बार लगा हुआ है और मुझे इसके ऊपर से जंप करना है, तो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा कि नहीं यार, मैं तो इसके ऊपर से कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल चीज है। बट नेवर, ऐसी कोई चीज नहीं होती जो पॉसिबल ना हो, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल, बट डू द प्रैक्टिस। आप अगर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी एथलेटिक्स की एक्टिविटीज को क्लियर नहीं कर सकते। तो मुझे ये समझना होगा कि क्रॉस बार कैसे क्रॉस किया जाता है। क्रॉस बार यूज करने के लिए तीन टाइप्स की टेक्निक्स होती है। तीन टाइप की टेक्निक्स में सबसे पहला चीज है सीजर टेक्निक। सीजर टेक्निक आप लोगों ने जनरली आप करते हैं। सीजर टेक्निक ऐसा टेक्निक्स है जो हम लोग नॉर्मली जंप करके ही कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने किसी फोर्स वगैरह या फिर डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट आर्मी में आप जाएंगे, जब आप उसमें जब आप भर्ती अटेंड करेंगे, उसकी जो उसकी सिलेक्शन होती है, उसमें सबसे पहले फिजिकल टेस्ट होते हैं। उस टेस्ट के समय हम ये देखते हैं कि उसमें ज्यादातर लोग क्रॉस टेक्निक यानी सीजर टेक्निक्स का ही यूज करते हैं। सीजर टेक्निक्स यानी कि सिंपल जो क्रॉस बार होता है उससे 45 डिग्री के एंगल्स में 30 से 35 मीटर के डिस्टेंस में जाएंगे और उसी मोशन उसी एंगल से दौड़ते हुए 45 डिग्री के एंगल से दौड़ते हुए हम क्रॉस को लैग के थ्रू, जो लैग होता है हमारा राइट टू लेफ्ट क्रॉस करते हुए हम बार को क्रॉस करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सीजर टेक्निक्स। यानी कि सिंपल टेक्निक्स जिसमें आप दौड़ के सीधा लेग टू लेग क्रॉस करके आप कर लेते हैं, सिंपल सीजर टेक्निक्स। ये टेक्निक्स जनरली नॉर्मल बहुत ही इजी है, लेकिन इसको करने के लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। इसमें है वेस्टर्न रोल टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड रोल टेक्निक, स्टैंडर्ड रोल टेक्निक्स और पॉसिबल फ्लॉप। ये चार टेक्निक्स के हिसाब से ही हम लोग हाई जंप करते हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर इसकी फिजिकली एक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो आप जैसे जैसे हम एक नॉर्मल आदमी को इस टेक्निक्स को करने के लिए पहले प्रैक्टिस करनी होगी। तो पहले तो स्किल, जिसमें सिंपल टेक्निक्स हम सीजर की बात करते हैं तो सीजर टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न रोल की बात करें तो वेस्टर्न रोल कैसे लोग यूज करते हैं, जैसे क्रॉस बार की ओर हम लोग सीधे सीधे आते हैं और सीधा बॉडी को फ्रंट लेवल पे, जैसे कोई फ्रंट रोल करता है तो जंप करते हुए स्विंग करते हुए जैसे जंप किया और रोल करते हुए निकल गया। इसमें दो टाइप की और टेक्निक्स होती है जिसमें हम 45 डिग्री एंगल से आते हैं और बॉडी को राइट से एंगल से शोल्डर को गिराते हुए पहले शोल्डर क्रॉस करते हैं, फिर लेग को ऐसे जो हवे में पोजीशन के साथ क्या होगा
पैर भी हवे में ऊपर जाएगा और शोल्डर भी, शोल्डर पहले हाथ जो होगा क्रॉस को बार को क्रॉस करेगा और शोल्डर लेग भी क्रॉस करेगा और रोटेशन लेते हुए गिरेगा बैक की तरफ। तो उसमें क्या होता है ज्यादातर चांस वो सीधा बॉडी गिरती है और वेस्ट के मतलब कमर के भरोसे ही गिरेगी। तो उसमें क्या होता है सिंपल वो रोलिंग के हिसाब से मोशन हो जाता है, इसलिए हम उसको वेस्टर्न रोल टेक्निक्स कहते हैं। और स्टडर रोल जो होता है वो सिंपल एक जंपर की तरह होता है, जैसे हम सीधे सीधे दौड़ के आए और जंप किए, सीधे सीधे आना स्ट्रेट मूवमेंट्स के साथ आना और सीधा स्विमिंग जैसे मूवमेंट होता है वैसे जंप किए और सीधा गिर गए। तो उसमें भी बॉडी रोल करके गिरती है, पर ये एक स्टैंडर्ड रोल्स नहीं होता, ज्यादातर सिबर फ्लॉप यूज करते हैं जो एथलीट इंटरनेशनल लेवल पे यूज करते हैं। आप देखते हो क्योंकि 45 डिग्री एंगल से वो लोग 40 to 60 to 50 meters के डिस्टेंस से रनिंग करते हुए आते हैं और बॉडी को एक सेंटर लेवल से उछालते हुए जंप करते हुए वहां से बॉडी को रोल करते हैं बैक की तरफ, जिसमें बॉडी का जो पोजिशन बैक पोजिशन होता है वो बार की तरफ होता है और बॉडी का जो फेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है और बॉडी सीधे सीधे बार को क्रॉस करती है तो पहले शोल्डर नीचे की ओर आता है और फिर लेग ऊपर हो गए, बॉडी सीधी शोल्डर जमीन पर लैंड करती है और उसके बाद पूरी बॉडी जमीन के ऊपर आ जाती है। तो ये होता है फॉर फ्लॉप टेक्निक्स। अब इस टेक्निक्स को आप लोगों को मैंने ऐसा ओरली तो बता दिया, लेकिन इस टेक्निक को एज अ वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप जब तक इसकी प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक इस टेक्निक को करना आपके लिए पॉसिबल है। तो सिंपल मैं इसके कुछ मेजर्स आपको बता देता हूं, जो मेजरमेंट होते हैं इसका, ये ग्राउंड होता है, इस ग्राउंड का कुछ मेजरमेंट है, जैसे कि मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, रनवे 15 मीटर्स का होता है, साइज ऑफ द लैंडिंग एरिया, जो लैंडिंग एरिया जहां पे एथलीट गिरता है वो होता है 6 meters to 4 meters, 5 meters to 3 meters, यानी कि इसमें दो साइज इसलिए बताया गया है कि एक मेंस एक वुमेन्स दोनों के लिए। हाइट ऑफ लैंडिंग पिट, हाइट ऑफ लैंडिंग पिट जहां आप गिरते हैं वो होता है 0.60 meters to 0.70 meters। डिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू पोल, जो डिस्टेंस होता है पोल से वो होता है 40 meters or 404 meters। लेंथ ऑफ क्रॉस, लेंथ ऑफ क्रॉस बार होता है सेम 4 meters and 2 centimeters। विड्थ ऑफ क्रॉस बार होता है 2 kg, 2 किलो का क्रॉस बार होता है, जो जिस बार बार क्रॉस करते हैं 2 kilo, अगर उसके नीचे अगर एथलीट गिरता है और क्रॉस बार उसके ऊपर गिरता है तो उसको ज्यादा चोट तो नहीं आती है, बट आई थिंक अगर हैट वगैरह में लगा तो हो सकता है कि, इसलिए ना क्रॉस बार करते समय हमको टेक्निक्स बार के नीचे नहीं आना है, बार से थोड़ा सा दूर होना चाहिए और डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास मिनिमम 4 meter का डिस्टेंस होना चाहिए। इसलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल्स एज ऑफ क्रॉस बार 50 cm to 20 cm होता है, विड्थ ऑफ एज ऑफ क्रॉस बार 30 cm to 35 मिनिमम होता है और गैप बिटवीन द एज ऑफ द क्रॉस बार एंड पोल 10 मीटर्स होता है। तो ये आपका एक मेजरमेंट है, इसे मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप इसको और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसमें आप लॉन्ग जंप में तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है रन, रन के बाद टेक ऑफ, टेक ऑफ के बाद फ्लाइट ओवर, फ्लाइट ओवर के बाद लैंडिंग। हमको कैसे रनिंग करनी चाहिए, रनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट है कि रनिंग, आप कोई भी इवेंट आप पकड़ते हैं, जिस भी इवेंट को आप करते हैं, जैसे एथलीट्स के चाहे रनिंग इवेंट है, जंपिंग इवेंट है, थ्रोइंग इवेंट, उसमें एक मोशन होता है, एक्शन होता है। जब तक आप टेक्निकली उस चीज को नहीं सीखेंगे तब तक उसके सही तरीके के स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो रनिंग इज इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हाई जंप इज रनिंग। रनिंग कैसे आपको करना है, कई लोग होते हैं कि वो शॉर्ट डिस्टेंस से भी रनिंग करते हैं और क्रॉस कर लेते हैं, कई लोग होते हैं बहुत दूर से भी आते हैं स्पीड रनिंग करते हुए टेक ऑफ करके क्रॉस बार करते हैं। तो लेकिन इसमें सबका अलग अलग तरीका होता है, जिसको जिस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जमता है वो उस बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से टेक्निक्स को यूज करता है। तो रनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक ऑफ, टेक ऑफ कहाँ से टेक ऑफ करना है, क्रॉस बार जो होता है क्रॉस बार से किस एंगल के पास आके आपको टेक ऑफ करना है वो एक डिस्टेंस में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस एरिया है वो 4 meter का है, यानी क्रॉस बार जहाँ पे है वहां से 4 meter के दूर से ही टेक ऑफ करेगा तो बॉडी ऊपर की ओर उठा के हवा में फ्लाई करते हुए, यानी कि फ्लाइट करेगा और उसके बाद काउंट होता है।
तो जब रन मूवमेंट बॉडी जब रन करते हुए आती है और टेक ऑफ करती है तो बॉडी क्या होती है, एक मोशन में होती है और वो क्रॉस बार की तरफ थ्रो हो जाती है। तो ये जरूरी है कि टेक ऑफ कैसे करें, ठीक है। दूसरा है फ्लाइट ओवर। फ्लाइट ओवर यानी कि क्रॉस बार जो एरिया होता है जहां से हमारी बॉडी मूव करते हुए क्रॉस करती है उसका बहुत ध्यान रखना होता है। अगर बॉडी को जिस एंगल्स में हम लोग जिस टेक्निक स्किल में हम लोग उसको यूज कर रहे हैं उस टेक्निक्स में ध्यान रखना होता है कि बॉडी का कोई पार्ट्स उस बार से टच ना हो। अगर वो बार से टच होता है तो फाउल तो नहीं होता, लेकिन अगर बार गिर गया तो वो फाउल हो जाता है और वो टेक्निक्स इतनी मेहनत करने के बाद आपका पूरा यूज लेस हो जाएगा। तो ध्यान रखना होता है कि फ्लाइट ओवर बार यानी कि बार के ऊपर से किस तरीके से हमको बॉडी का एंगल्स को यूज करना है टेक्निक के साथ। और दूसरा होता है लैंडिंग। लैंडिंग आप कैसे करते हैं ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप समझते हो कि एरोप्लेन कोई आता है आ रहा हो और उसके बाद रनवे पे लैंडिंग करना हो और लैंडिंग करने के साथ ही बहुत अच्छे से लैंडिंग अगर नहीं हुई तो अनबैलेंसिंग हो जाता है और क्रैक भी आ सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो वैसे ही एथलेटिक्स में भी ये चीज यूज होती है कि जब आप क्रॉस बार एक हाई हवे से आप जब नीचे की ओर गिर रहे हैं तो आपका बॉडी का जो पोस्चर है जो डिजाइन है वो कैसे किस एंगल पे आपको गिराना है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये समझना होगा कि मेरा बॉडी जस्ट बैक पोजिशन में गिरेगा, साइड पोजिशन में गिरेंगे, हम हेड से गिरेंगे, तो ये सेफ्टी का ध्यान देते हुए अपनी बॉडी के एंगल्स को गिराना होता है। ज्यादातर सेफ चीज क्या होती है, जब हम क्रॉस को बार को जब हम बैक मूवमेंट्स के साथ स्लाइड करते हुए इस पोजीशन पे बैक पोजीशन पे गिरते हैं तो बॉडी जब इस एंगल से डाउन होगी तो शोल्डर की तरफ आता है। तो शोल्डर इज पावर, हमारा पूरा बॉडी शोल्डर के ऊपर वेट डालते हुए नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि जब नीचे लैंडिंग करेगा तो नीचे जो लैंडिंग एरिया होता है वो एक फोम या गद्दे का बना होता है ताकि वो स्पंजी हो, बॉडी का वेट अंदर की तरफ ले और रिफ्लेक्ट कर दे ताकि बॉडी को कोई इंजरी ना आए, इसलिए सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है उसमें। तो हमको लैंडिंग करते समय अपने बॉडी का लैंग्वेज का ध्यान रखना है। तो ये आपका सिंपल टेक्निक्स ऑफ हाई जंप। हाई जंप में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, द एथलीट मस्ट यूज बी फुट ओनली फॉर द टेक ऑफ। कैसे टेक ऑफ करेगा ये, और कुशन मैट का यूज किया जाता है इसमें। कुशन मैट यानी कि जो मैट है वो गद्दे का होना चाहिए, थोड़ा सा स्पंजी होना चाहिए, वो यूज करना है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ जज मस्ट अनाउंस द हाइट्स एंड द हाइट एट विच द बार विल बी राइज एट द एंड ऑफ द ईच राउंड। जब तक अनाउंसर या अनाउंस या जजेस आपको अनाउंस नहीं करता या कॉल नहीं करता तब तक आपको ग्राउंड्स के एरिया में आपको मोशन नहीं करना है, आपको एक्शन नहीं करना है। तो एथलीट को अलाउड होना चाहिए, जब तक वो परमिशन नहीं लेगा वो अलाउड नहीं हो सकता। दूसरा, कोई भी अगर आप सक्सेसफुल तरीका कर रहे हैं, आप अपनी टेक्निक्स बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं तो आपको उस समय यूज के बाद का जो एरिया लैंडिंग एरिया के बाद आपको निकलना है बाहर, और तो उसका एक तरीका होता है कि आप जब पीठ पे गिरते हैं तो गिरने के बाद आप किस एंगल से निकलेंगे, निकलने के लिए एक एग्जिट एरिया दिया होता है, लैंडिंग के बाद आपको बाहर निकलना है, तो वो एक तरीका आपको आना चाहिए समझ में। दूसरा, आप जो किट यूज करते हैं उसमें ज्यादातर ध्यान रखें कि आपका शूज अच्छे होने चाहिए, आपके जो क्लॉथ हो वो ढीले नहीं होना चाहिए और फ्लैट चिपके हुए कपड़े होने चाहिए, स्किनर एंड टाइट्स होने चाहिए, तो आप क्रॉस बार को करते समय आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बार बार कपड़े से अगर कभी कभी टच हो जाता है तो क्या होता है कि बार गिर जाता है, बार बहुत हल्के से लटका होता है, जो एंगल होता है उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगा तो वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, तो उससे आपका फाउल हो सकता है, तो पूरी मेहनत खराब हो सकती है। तो ऐसे कुछ चीजों पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो ये आपकी बेसिक कुछ नॉर्मल सी चीजें मैंने आपको हाई जंप के बारे में बताई है। जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको हाई जंप कराना भी सिखाऊंगा भी और आपको करा के देखूंगा भी, ठीक है। हमारे यहाँ हाई जंप के भी बार हैं लेकिन लैंडिंग एरिया नहीं है हमारे पास, फ्लैट एरिया है, तो फ्लैट एरिया में तो गिरोगे तो फिर चोट आ जाएगी ना बेटा। तो ये आपके हाई जंप है, मैं आज आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपके PDF में डाल दूंगा, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं, रीड कर लेंगे और रीड करना चाहें तो, और साथ में आप इसको समझ लें और फिर रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे। मैं आपको बोला था कि रिकॉर्ड फाइल में दिखाऊंगा बट आई थिंक अभी कुछ
कोर्स ये आज की डेट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फिर से बाद में बताऊंगा कि आपको रिकॉर्ड फाइल कैसे बनानी है। ये एथलीट्स का कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग के बारे में बताऊंगा कि रिकॉर्ड फाइल को कैसे आप मेंटेन करेंगे। तो नेक्स्ट है ट्रिपल जंप। तो ट्रिपल जंप भी आप सेम थिंग लॉन्ग जंप की तरह ट्रिपल जंप होता है। ट्रिपल जंप के बारे में आप लोग जानते हैं, सुने हैं कि नहीं, पहले आप बताइए। पहले आपसे कुछ क्वेश्चन हो जाए, आपने लॉन्ग जंप तो किया है लेकिन ट्रिपल जंप कभी नहीं किया है। एनीवन हियर, कोई है जो मुझे बताएगा कि ट्रिपल जंप क्या होता है, जानते हैं आप? तन्मय, हरित, ओ राघव अग्रवाल, प्रियांश, प्रियांश ट्रिपल जंप जानते हैं बेटा? ट्रिपल जंप क्या होता है? टेल मी ट्रिपल जंप क्या होता है, कभी सुने हैं आप लोगों ने? राघव, यस सर, ट्रिपल जंप क्या होता है, कभी सुना है आपने? नहीं सुना है सर। ओके, लॉन्ग जंप देखा है आपने? यस सर। तो लॉन्ग जंप से रिलेटेड ही तो है यार। इसमें आपने कभी, आप एथलेटिक्स टूर्नामेंट्स नहीं देखते हैं क्या? क्रिकेट खेलते हैं बहुत, है ना? एथलेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उतना। बट एथलेटिक्स, मैं आपको एक नॉलेज की बात बता दूं कि एथलेटिक्स इवेंट के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो लगभग स्पोर्ट्स में यूज किए जाते हैं। स्ट्रेचिंग से रिलेटेड हो, स्पीड से रिलेटेड हो, बैलेंस से रिलेटेड हो, जंपिंग से रिलेटेड हो, सारी चीजें जो एक्सरसाइज एथलेटिक्स में की जाती है वहीं से डिवाइड की गई है अदर स्पोर्ट्स के। तो आपको एथलेटिक्स अगर आप करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा अदर स्पोर्ट्स के, लाइक जंपिंग, क्योंकि और इससे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलेगी आपको मोशन के लिए, एक्शन के लिए। बॉडी बहुत स्पीड रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। एथलेटिक्स जितना एक्सरसाइज बॉडी एफर्ट के लिए देता है उतना और कोई गेम्स में आपको नहीं मिल सकता। लेकिन सभी गेम्स का एक अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत अगर लगती है तो एथलेटिक्स के, क्योंकि टोटली बॉडी फिजिकली वर्कआउट से डिपेंड करता है। जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बॉडी में पिकअप पड़ेगा, उतना ही एफर्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी हमारी। ओके, नो प्रॉब्लम। द ट्रिपल जंप इज लाइक सिंपल, बोल सकते हैं कि हम लॉन्ग जंप का एक भाई है, लॉन्ग जंप का छोटा भाई या बड़ा भाई बोल सकते हैं, लेकिन सेकेंड टाइम ऑफ द लॉन्ग जंप का रिलेटेड गेम है ट्रिपल जंप। ट्रिपल जंप में थ्री तरीके के स्टेप मोशन होता है, इसको हम बोल सकते हैं हॉप, स्टेप एंड जंप। तीन तरीके के मोशन से ही इस एक्शन को किया जाता है। इसकी टेक्निकल एक्शन बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ी टफ है, क्योंकि इसके लिए हमको बॉडी एक्शन की बहुत जरूरत पड़ती है। बॉडी एक्शन में सबसे जरूरी चीज है हॉप करना। आप लोगों ने किसी इम्पालास या डियर्स को देखा होगा दौड़ते हुए, जब कोई डिस्कवरी वगैरह चैनल में देखेंगे कि जो स्पीड, जो भी एनिमल्स बहुत तेज दौड़ते हैं, जैसे खासकर डियर की बात करें तो वो हॉप करते हैं, जैसे जंप करने, मतलब बहुत गेप लेते हैं, उनका जो स्टेप होता है बहुत तेज आगे होता है, तो वो दौड़ने के साथ हॉप भी करते हैं। आप लोगों ने इतना जाना होगा। तो नॉर्मली दौड़ते दौड़ते हम हवा में थोड़ा देर स्विंग करते हैं फिर लैंड होते हैं, दौड़े बहुत स्पीड से दौड़े और नॉर्मली बॉडी को छोड़ दिए, यानी कि उसको हॉप करना हो गया और स्विम करते हुए बॉडी फिर लैंड हो जाती है नॉर्मली। लैंडिंग के बाद आता है सेकेंड स्टेप। स्टेप मैंने कहता है कि अगर हम स्टेप कर रहे हैं, स्टेप के बाद का मूवमेंट, स्टेप क्या होता है कि जब हम
लेग लैंड, जैसे हम राइट लेग को और लेफ्ट लेग को एक साथ यूज करते हैं, वन टू एंड फिर हाई करते हैं उसको, उसके बाद स्टेप करके फिर हम आगे मूव मोशन लेते हैं, तो और डीप स्टांस डीप मोशन एक्शन के साथ हम आगे जाते हैं। सेकेंड होता है जंप, जब हम स्टेप के बाद लैंड होते हैं, लैंड के बाद का एरिया जंप कहलाता है, जो पीठ पे गिरा है। तो सेम थिंग, यही तरीका और यही टेक्निक्स यूज करने वाले हैं ट्रिपल जंप में। ट्रिपल जंप में फर्स्ट है हॉप, सेकेंड है स्टेप, थर्ड है जंप। तो हॉप में मैं बताऊंगा कि आपका टेक्निक ऑफ ट्रिपल जंप, टेक्निक ऑफ ट्रिपल जंप में सबसे पहले आप यूज के लिए फ्लैट टेक्निक। फ्लैट टेक्निक्स होता है में हॉप का कितना परसेंटेज होता है, 34% होता है, स्टेप का 30% होता है, और जो जंप होता है वो 36% होता है। तो आपका जो फ्लैट टेक्निक है उसमें ये डिवाइडेशन दिया गया है कि बॉडी का कितना पार्टीशन यूज करेंगे, कितना परसेंट, यानी कि कितना पावर आप यूज करेंगे हॉप करने में, कितना स्टेप लेने में और कितना जंप करने में। तो ये जो डिवाइडेशन दिया गया है इसी टेक्निक के हिसाब से ही हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो बॉडी को ऐसे ही कन्वर्ट करके रखेंगे तभी हम ट्रिपल जंप में सक्सेसफुली जंप कर पाएंगे। तो फ्लैट टेक्निक्स में, जो फ्लैट टेक्निक है उसमें 34% हॉप और स्टेप में 30% और जंपिंग में 36%। वैसे ही नेक्स्ट टेक्निक आ जाती है स्टेप। स्टेप टेक्निक्स भी सेम थिंग है, 38% हॉप और 30% स्टेप और जंप जो है 32%। नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट टेक्निक है मिक्स टेक्निक्स। मिक्स टेक्निक्स में जो परसेंटेज है हॉप का वो है 37%, बॉडी का हॉप करेंगे तो 37% का एफर्ट लगाएंगे और स्टेप करेंगे तो 30%, सेम 30% करेंगे। तीनों टेक्निक्स में जो स्टेप है वो 30% ही है, ध्यान रखेंगे इसका, और जो जंपिंग है वो 33% है, यानी जंपिंग से ज्यादा अगर मैं बात करूं हॉप की, तो सबसे ज्यादा अगर हमें पावर ऑफ फोर्स लगानी है रनिंग के बाद, अगर एफर्ट लगता है उसका परसेंटेज वैल्यू सबसे ज्यादा है, 34%, 38% एंड 37% हॉप में, स्टेप में 30% है, और जो जंपिंग है वो अलग अलग है। तो जंपिंग में हमको 36% फ्लैट में लगाना पड़ता है, क्योंकि जब हम फ्लैट टेक्निक्स यूज करते हैं उसमें जो फ्लैट टेक्निक्स में सबसे ज्यादा ताकत लगती है, क्योंकि हमारा पूरा फ्लैट यूज करना पड़ता है उसमें, और फ्लैट में बॉडी एक स्ट्रेच पे क्या होती है, दबती है, दबने से उसके मोशंस में थोड़ी कमी आती है, स्पीड में थोड़ी कमी आती है। उसके बाद फ्लैट यूज करके टेक ऑफ करना, मतलब हाई उठना, उठने के बाद फिर स्टेपिंग करना, स्टेप करके जंप करना, तो फर्स्ट में ही ज्यादा एफर्ट लगेगा, सेकेंड में मीडियम पेस था, और थर्ड में जब हम पूरा एफर्ट लगाए 36% जंप में लगाना पड़ेगा बॉडी का एफर्ट, यानी कि फ्लैट टेक्निक्स में जंपिंग का एफर्ट ज्यादा है। यानी कि हम, आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो फ्लैट टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें फ्लैट का 30%, 34% स्टेप का 30% और 36% जंपिंग का है, तो जंपिंग का एफर्ट ज्यादा है। वैसे ही जब हम आते हैं स्टेप टेक्निक्स में, तो स्टेप टेक्निक्स में 38% आपका हॉप है तो 30% स्टेप है, और बॉडी का जो एफर्ट है, जो जंपिंग का एफर्ट है, 32% कम हो जाता है, क्योंकि स्टेप टेक्निक्स ज्यादातर मीडिया कम दूरी से यूज किया जाता है, बहुत ही स्टेप जो लेते हैं स्लो मोशन से आए और स्टेप करके ही जंप कर दिए, हॉप स्टेप एंड जंप कर दिए इसमें। तो ये जो टेक्निक्स है ये ज्यादातर स्टैंडर्ड ही यूज किया जाता है, जो स्टेप टेक्निक है खासकर। और मिक्स टेक्निक्स की बात करें तो मिक्स टेक्निक सिंपल सारे टेक्निक्स का यूज करके एथलीट ट्रिपल जंप करता है, जिसमें हम सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, हॉप फ्लैट टेक्निक भी यूज करता है और मिक्स स्टेप यूज भी करता है। तो दोनों टेक्निक्स को मिक्स करके वो मिक्स टेक्निक्स बना के अपना यूज करता है, जिसमें वो सारी एफर्ट लगाता है। तो इसमें एंगल जो बनते हैं, फ्लैट टेक्निक्स का जो एंगल बनता है वो कितनी डिग्री एंगल्स बने, जैसे फ्लैट टेक्निक्स में तो सिंपल तो 10 to 6 to 100 meters के एरिया से ही रनिंग कर लेता है वो, और जो स्टेप टेक्निक्स हैं तो स्टेप टेक्निक्स में जो एंगल बना के वो डिग्री से 16 degrees to 18 degrees पे स्टेपिंग एंगल एंकल से मूवमेंट करके जंप करेगा,
और मिक्स टेक्निक्स में 15 टू 16 डिग्रीज का एंगल बना के जंप करता है। तो इसमें यही डिफरेंस है, कुछ कुछ डिफरेंस ऑफ डिग्री का है, तो थोड़ा टेक्निकल चीज, बहुत ज्यादा टेक्निकल हम बोल सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल क्या, बहुत ज्यादा टेक्निकल है ये। और इसको समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में आके ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बॉडी लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। और लैग है, लैग मूवमेंट्स इतना ज्यादा डिफिकल्ट है कि हमारा पूरा जो फोर्स है वो हमारे वेस्ट और नीज और हमारे एंकल पे ही पड़ता है। तो बॉडी का वेट कम होना चाहिए इसमें। दूसरा, बॉडी बहुत ज्यादा, हमारा जो लेग है, जो थाइस और एंकल है, उसके कफ्स मसल्स हैं, वो उसमें बहुत ज्यादा फोर्स और पावर होना चाहिए। इसके लिए हमको डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज की जरूरत भी पड़ती है और हमें बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉडी का एफर्ट जंपिंग में लगाना है और बहुत आगे लैंडिंग करना है, तो हमें जितना हो सके अपने बॉडी के मसल्स पावर को यूज करना होगा, और उसी मसल्स पावर को यूज करने के लिए हमको उसका पावर बढ़ाना भी पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत हार्ड एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है, एथलीट्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है। और इस इवेंट्स को बहुत ज्यादा लोग लाइक करते नहीं है, ज्यादातर लोग लॉन्ग जंप में ही इंटरेस्ट रहते हैं, लेकिन इस टेक्निक्स में मेहनत ज्यादा है, इसलिए थोड़े से प्लेयर्स एथलीट्स में कम मिलेंगे आपको। तो डियर, ये आपका हुआ ट्रिपल जंप का। ट्रिपल जंप में तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है, हॉप, स्टेप एंड रन, है ना। तो पहला हॉप स्टेप जंप होता है, सेकेंड होता है स्टेप, और थर्ड होता है जंप। इन तीन चीजों पे ही ध्यान देना जरूरी है। और नेक्स्ट आ जाता है पोल वैलेट्स। पोल वैलेट्स के बारे में अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, नेक्स्ट क्लासेस में। और हमारा उसके बाद आ जाता है थ्रोइंग इवेंट। थ्रोइंग इवेंट्स को भी मैं आपको नेक्स्ट आने वाले क्लास में ही इसको कंप्लीट कर लूंगा। तो एथलीट, हमारा एथलेटिक इवेंट है वो पूरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों को उसके बाद फिर रिकॉर्ड के लिए मैं कुछ मटेरियल्स दे दूंगा, उसी रिकॉर्ड को उसी देख के आप अपना रिकॉर्ड फाइल बनाना शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू आर प्रेजेंट हियर, यस नॉट ऑल ऑफ यू, टेल मी, भाविक, भाविक, ओके बेटा, प्रेजेंट है कि नहीं है? यस सर। दिव्या, दिव्या, ओके। तो ये आपका एथलेटिक्स का इस इवेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा जरूर। देखिए, मैं आपको एक चीज लास्ट मोमेंट में 5 मिनट 2 मिनट में आपको एक बात बता दे रहा हूँ। जो एथलेटिक्स का इवेंट होता है, मैं आपको प्रैक्टिकल गेम्स के बारे में पढ़ा। जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, आप लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिकल करने से आता है, बोलने या समझाने से नहीं आ पाता है, ये भी आपको समझना होगा। दूसरा है, प्रैक्टिकल एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि एथलेटिक्स के इवेंट पे आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपको हो सकता है कि इस इवेंट्स के बारे में पहली बार ही आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और ऐसे में थोड़ी ये सब्जेक्ट जो बहुत ही एक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन अभी जिस तरीके से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको भी इसके बारे में उतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा होगा। जब हम ग्राउंड पे इस चीज को कर देंगे, तो हो सकता है कि आपको इस चीज में बहुत, जब प्रैक्टिकल करें आप इस चीज को यूज करके देखेंगे, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अभी हमको इसके बारे में जितना हो सके इसके टेक्निकल स्किल के बारे में, जो लैंग्वेज है उसको हम समझ जाएं, और उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिकल यूज करेंगे, तो हो सकता है हमको बहुत काम आएगा, और फ्यूचर में आप एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस हम अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, और मैं आपको कुछ पीडीएफ्स के माध्यम से दूंगा, तो उसे आप यूज देख लीजिएगा और रिकॉर्ड फाइल में वैसे मेंशन कीजिएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। और ठीक है, नाउ टेक केयर, बी सेफ, बाय।